आई स्टैंड विद इसराइल इसराइल के साथ खड़े होने का समय आ गया है ऐसा ट्वीट कर देने भर से भाई लोग अब काम नहीं चलने वाला है आप सभी को ईरान की मिसाइलों से इसराइल को बचाने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा इसराइल का आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है आप सभी जानते हैं आप सभी को बारी बारी करके ईरान की एक एक मिसाइलों के सामने क्रम से खड़े होकर इसराइल को बचाना चाहिए <laughs> इसराइल के समर्थन में आपकी शहादत को देश याद रखेगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ फोकट का ट्वीट कर देने भर से इसराइल का कोई मदद नहीं हो पाएगा तो आगे आइए और इसराइल का समर्थन कीजिए और कम से कम शहादत तो जरूर दीजिए दोस्तों कुछ चपड़ गंजू पत्रकार हैं जिन्हें अपने देश की सरकार के स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। वो आई स्टैंड विद इसराइल लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में मोदी और ईरान के प्रधानमंत्री का ये तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की सरकार जिसके साथ खड़ी रहेगी भारत का बच्चा बच्चा उधर ही रहेगा लेकिन ये पत्रकार रूपी फोकट का अपना स्टैंड लेकर घूम रहे हैं अमित देवगन और अमन चोपड़ा जैसे लोगों को कम से कम इसराइल के समर्थन में मिसाइलों का सामना अपनी छाती से करना चाहिए क्योंकि ट्वीट कर देने से अगर सब कुछ हो जाता तो ईरान भी ट्विटर पर लिख देता कि आई अटैक ऑन इसराइल बाई हंड्रेड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स खैर अक्ल के इन अंधों का क्या इन्हें बस इतना ही पता है कि ईरान मुसलमानों का देश है इसलिए इसराइल के साथ खड़े हो जाते हैं फिर ये अक्ल के अंधे तमाम वो चीज भूल जाते हैं जो इसराइल ने हमास से बदला लेने की आड़ में बच्चे बुजुर्गों, मासूमों पर अस्पतालों और स्कूलों पर तक में मिसाइल गिराकर मासूमों की जान लेने जैसे आतंकी हमले किए हैं खैर आपको बता दें ईरान और इसराइल के इस युद्ध के माहौल में पत्रकार रविश कुमार ने मोदी जी को याद किया है अपने ट्वीट में मोदी जी का नाम लिखे बिना उन्होंने कहा है कि फोन करके और फोटो खिंचवा कर युद्ध रुकवा देने वाले नेताओं को आज दुनिया याद कर रही है आज उन सब की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ऐसा युद्ध मोदी जी फोन करके रुकवा सकते हैं या फिर उनके भक्तों द्वारा आई स्टैंड विद इजराइल लिख देने से ही काम चल जाएगा आपको बता दें इस बुल्ला प्रमुख की हत्या के बदले में ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दाग दी जिसमें ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के मोसाद का हेड क्वार्टर ईरान ने तबाह कर दिया है साथ ही ट्विटर पर कई ऐसी चेतावनियां भी ईरान दे रहा है इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के एक वीडियो को भी ईरान मिलिट्री ने शेयर करते हुए कहा है कि नेतन्याहू के हाथ रहे हैं। हैं वो लंबे हाथ हाथ जो हम तक तक पहुंच सकते हैं से लेकर हुए तक। क्या हुआ नेतन्याहू? इसके आगे दोस्तों ईरान मिलिट्री ने एक संजीदा ट्वीट भी किया है लिखा है बच्चों और मासूमों पर मिसाइल गिरा कर नरसंहार करना ज्यादा कठिन काम नहीं है जबकि अपनी तरफ आ रही पैरासोनिक मिसाइल्स को इसराइल के लिए रोक पाना थोड़ा कठिन हो सकता है यहाँ पर ईरान ने इसराइल के आयरन डोम पर चुटकी ली है और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले वाले वीडियोस को देखकर कर ये भी लग रहा है दोस्तों कि ज्यादातर मिसाइल आयरन डोम को फेल करती हुई भेजती हुई इसराइल की जमीन पर गिर रही हैं हाँ ये बात अलग है कि इस हमले में बच्चों का नरसंहार बुजुर्गों का मासूमों का नरसंहार के इरादे से इन मिसाइलों को रिहायशी इलाकों में ईरान ने नहीं दागा है